ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट, एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं, नो, रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाइए सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण प्लीज, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके, कल्याण बनर्जी, आई एम अपोजिंग द लेजिस्लेशन। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक दिस अमेंडमेंट व्हिच टचेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड कमिंग विद इन द 7th शेड्यूल। प्रॉपर्टी इज द क्वेश्चन व्हिच कैन बी डिसाइडेड बाय द ओनली द सिविल कोर्ट, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeted.
Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute. 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि पुरस्तातित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए आप प्लीज बैठिए रूल 72 के अंदर एक मिनट प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए नो प्लीज बैठिए अभी बात सुनिए पूरी बात सुनिए अभी प्लीज बैठिए बैठिए धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब जानते हैं कि भारत की अधिक आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का बिजलीकरण नहीं होगा उनके, तब तक के उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसी बात को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में बिजली की का बहुत ही अभाव है, और लगातार लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग भी उसकी शिकायत कर रहे हैं, पर जिला प्रशासन को कर रहे हैं, राज्य प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। और उसकी वजह से जो छात्र पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो हमारे किसान जिनको पटवन की ज़रूरत है और उनको बिजली की आवश्यकता है उनको समय पर बिजली नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बिजली जो उपभोक्ता है उनसे समय पर बिल वसूला जाता है, और दूसरी तरफ है वो बिजली की आपूर्ति उनको नहीं की जा रही है। तो हमारा सदन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और देखे कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उसमें जिस उसके रख रखाव में दुरुस्त करने की आवश्यकता है।